जिस तरह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चाइना की नाक में दम करके रखा हुआ है, ठीक उसी तरह चाइना ताइवान की मिसाइल से भी खौफ खाता है। और ऐसा माना जाता है कि ताइवान की ये मिसाइल्स ही हैं जिनकी वजह से चाइना ने आज तक कभी भी ताइवान पर फोर्सफुली कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। मगर अब चाइना के लिए ये काम पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ताइवान ने अब एक ऐसी मिसाइल बना दी है जो कि चाइना के बेहद अंदर घुसकर भारी तबाही मचा सकती है। दरअसल नवभारत टाइम्स और कई मीडिया हाउसेस के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि ताइवान ने अपनी वांचियान 1 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन वांचियान 2 पूरी तरह तैयार करके इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। अब इस मेजर डेवलपमेंट के बाद चाइना में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चाइना तो ताइवान की वांचियान 1 मिसाइल से खौफ खाता था। वांचियान 1 मिसाइल की बात करें तो ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की है और ये पहले से ताइवान के फाइटर जेट्स पर फिटेड भी है। लेकिन अब जो ताइवान ने इसका अपग्रेडेड वर्जन वांचियान 2 मिसाइल रेडी कर दिया है, उसकी रेंज पहले से डबल 400 किलोमीटर तक की है, जिसकी वजह से अब इस मिसाइल को ताइवान के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। अब ये तो सबको पता है कि ताइवान से चाइना की कोस्ट यानी चाइना के समुद्री तट ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ताइवान चाइना के पास ही एक छोटा सा आइलैंड देश है। ऐसे में अगर ताइवान अपनी वांचियान 2 मिसाइल को अपनी एयर स्पेस में रहते हुए भी फायर कर दे तो भी ये मिसाइल चाइना के कई बड़े शहरों में तबाही मचा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांचियान 2 मिसाइल टेस्ट के बाद चाइना ने साउथ चाइना सी में ताइवान के आसपास अपनी गश्त पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चाइना के पास अपने स्वदेशी के साथ साथ रशियन S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है, तो फिर भी चाइना ताइवान की वांचियान 2 मिसाइल से क्यों खौफ खा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ताइवान की वांचियान 2 मिसाइल के 400 किलोमीटर की रेंज में चाइना के बहुत ही बड़े हेवीली पॉपुलेटेड एरिया कवर हो जाते हैं। उसकी 3 प्रोविंसेस ग्वांगडोंग, फुजियान और ज़ेजियान पर तो अब ताइवान अपनी एयर स्पेस में रहते हुए भी हमला कर सकेगा। और अगर ताइवान के फाइटर जेट्स अपनी एयर स्पेस से थोड़ा बाहर निकलकर टारगेट करें तो फिर चाइना के 3 बड़े शहर शंघाई, हांगकांग और मकाओ, ये तीनों इस मिसाइल की रेंज में बड़ी आसानी से आ सकेंगे, क्योंकि ये तीनों बड़े शहर ताइवान से मात्र 700-800 किलोमीटर ही दूर हैं। अब ये तो आपको भी पता होगा कि भारत ही नहीं दुनिया के सभी देश शॉर्ट से लेकर मीडियम और फिर लॉन्ग रेंज यानी कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, और फिर किसी भी एसेट के डिफेंस में इन सबको एक साथ डिप्लॉय किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, और जहां पर मिसाइल्स, ड्रोन्स और कई एयरबोर्न अटैक मल्टीपल डायरेक्शन से आ रहे हों, वहां पर एडवांस से एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए सिचुएशन पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि ये सभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एट अ टाइम कुछ ही टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए बड़े मिसाइल हमले के दौरान जहां पर मल्टीपल मिसाइल्स इन्वॉल्व हों, वहां पर कुछ मिसाइल्स को ना रोक पाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि अगर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मिसाइल ना रुके तो फिर दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रोक दे, तभी कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक साथ डिप्लॉय किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ताइवान के खिलाफ भी कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय ताइवान के पास कुल 6000 से भी ज्यादा मिसाइल्स हैं। इस तरह की और भी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड 6000 से भी ज्यादा मिसाइल्स हैं। ऐसे में अगर ताइवान ने एक साथ कई मिसाइल्स हमले कर दिए और उनमें से 2 से 3 वांचियांग 2 मिसाइल्स भी अगर चाइना के हैवीली पॉपुलेटेड एरिया में गिर गई तो फिर चाइना को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और ताइवान तो पहले कह चुका है कि उसका अस्तित्व रहे ना रहे, अगर चाइना ने ताइवान पर हमला करने की गलती भी की तो वो चाइना को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में चाइना के लिए अब खतरा डबल हो गया है। वैसे ताइवान की वांचियान 2 मिसाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी पब्लिक डोमेन में फिलहाल ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि सक्सेसफुल टेस्ट के बाद वांचियान 2 मिसाइल के छोटे से बैच को बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वैसे ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को भी अमेरिका की तरह ताइवान को हथियार बेचने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।